Hey everyone, I'm Chanchal Bhardwaj and you're watching my channel Insightful Education. तो आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत important topic जो कि है हमारी सरकार के बारे में, हमारी सरकार के ढांचे के बारे में, हमारी सरकार के structure के बारे में. आपको ये तो पता है कि सरकारें चलती हैं, parties election लड़ती हैं, parties जीतती हैं, prime minister बन जाते हैं, president बन जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका process क्या है? क्या आपको पता है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें कहाँ कहाँ रखा गया है, कैसे कैटेगराइज किया गया है? मोस्ट ऑफ द यू मस्ट नॉट हैव नोन अबाउट दिस सिस्टम. तो चलिए आज हम इस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो आज हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये सब किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है. तो हमारा जो हेड है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे पूरे इंडिया का सबसे बड़ी चीज है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? संविधान हमारा. अब कुछ लोगों को शायद संविधान के बारे में भी इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं, संविधान एक रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक है हमारी कंट्री की, जिसपे हमारा पूरा देश चलता है, जिसपे सरकारें चलती हैं, जिनका पालन करना, जो कानून लिखे गए हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है एक सरकार को अच्छी तरह से चलाने के लिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये जो हमारी रूल बुक है, इसने हमारे सिस्टम को कैसे कैटेगराइज किया है. हमारा जो सिस्टम डिवाइडेड है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है. माने हमारे संविधान ने हमारे इंडिया की गवर्नमेंट को ऑर्गन्स में डिवाइड किया है. कौन से ऑर्गन्स है वो? एक तो है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव एंड द लास्ट वन इज जुडिशरी. मतलब हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. तो इनके नाम से ही हो रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग ही गया होगा. हमारी विधायिका, जो हमारी विधायिका है उसका काम क्या है? कानून बनाना. मतलब इट मेक्स लॉ, ये लॉ बनाती है. और कार्यपालिका, इसका काम है लॉज को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट्स लॉज. मतलब इनको कार्यकारिणी उसमें लाना, कि लोग उन लॉ को, उसको एक कानून बनाना. बेसिकली ये जो लॉ है ना, यहाँ पर जो बिल आते हैं, इस विधायिका में जो बिल आते हैं वो एक्ट बनते हैं, फिर जाके कहीं वो लॉ बनते हैं. ठीक है, मतलब बिल, एक्ट और लॉ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. जब किसी संसद में किसी कानून को पेश किया जाता है उसे बिल कहते हैं, जब वो दोनों सदनों में पास हो जाता है उसे एक्ट कहते हैं, और जब प्रेसिडेंट उस पर स्टैंप लगा देते हैं, उसको जनता तक लाने के लिए काम पूरा हो जाता है, तो उसे लॉ कह देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूट करता है लॉ, वो हमारी एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है जो लॉ को एग्जीक्यूट करेगी. देन न्यायपालिका, इसका काम है इन दोनों पर नजरें रखना, और तीसरा काम सबको न्याय देना. प्रोवाइड्स और सर्व्स जस्टिस, इसका सब लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना. ऐसे नहीं कि सिर्फ लोगों को, गवर्नमेंट में भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में, ये सब हमारे कोर्ट्स तय करते हैं. ठीक है, तो लेजिस्लेचर हमारी ना बायकैमरल है. बायकैमरल मींस दो ही सदनीय है, दो सदन है इसके. ठीक है, तो हमारी जो लेजिस्लेचर है वो बायकैमरल है. मतलब दो सदन है. इसके कौन से दो सदन है? एक तो है आपका राज्यसभा और एक है लोकसभा. लोकसभा और राज्यसभा हमारी विधायिका के दो सदन है. इनको हिंदी में भी लोकसभा और राज्यसभा ही कहते हैं. देन हमारी एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? हमारे एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? पहला प्रेसिडेंट, दूसरा हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
और हमारे सिविल सर्वेंट्स। अब हमारी न्यायपालिका के अंदर क्या आता है? देखिए, ये जो मैं ढांचा बता रही हूं ना, ये फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्रीय सरकार का। ठीक है, केंद्रीय सरकार का ढांचा है। स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ ऐसा ही होता है, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे, फिलहाल के लिए इस पर ध्यान दीजिए। तो जुडिशरी में हमारा क्या काम होता है? जस्टिस देना, सभी ऑर्गन्स पर वॉच रखना, इफ दे आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर मैनर विच हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, तो जो भी जुडिशरी है हमारी प्रोवाइड जस्टिस, और इसके अंदर कौन कौन से कोर्ट आते हैं? हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में कौन कौन से कोर्ट्स आ गए? हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए, हमारे सेशन कोर्ट्स आ गए, मतलब हमारे तहसील वाले जो कोर्ट्स होते हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, ये सब हमारे इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आ गए। और सुप्रीम कोर्ट हमारे ऑल ओवर द इंडिया में एक ही है, हाई कोर्ट्स हमारे सभी स्टेट्स में, और कुछ स्टेट्स में दो स्टेट्स के एक हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब का और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है। देन अब हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा का, और इनके बारे में भी कुछ कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो क्या करना है अभी हमें? इन दोनों का फर्दर डिवीजन करना है। तो हमारी राज्यसभा और हमारी लोकसभा, हमारी जो राज्यसभा है ना, उसकी जो मेंबर स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250। इसमें हमारी जो सीट्स होती है ना, वो 250 सीट्स होती है राज्यसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर हमारी कितनी सीट्स होती है? लोकसभा के अंदर हमारी सीट्स होती हैं कितनी? 550 होती हैं, बट हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है ना वो 543 की है, जिसमें से दो हमारे एंग्लो इंडियन सीट्स होती हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वैसे 545 टोटल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ हमारी लिखी गई है, लेकिन ये एक्चुअल में स्ट्रेंथ होती नहीं है कभी भी। प्रेजेंट 543 की है, होते 545 हैं, दो हमारे एंग्लो इंडियंस के लिए सीट रिजर्व है। देन हमारे 250 मेंबर्स का भी फर्दर डिवाइड है, 250 में से 238 मेंबर्स जो हैं वो हमारे चुने जाते हैं, हमारे सभी राज्यों के प्रपोर्शन से मिनिस्टर भेजे जाते हैं, हर राज्य में से दो या तीन मिनिस्टर आते हैं, जो कि मतलब उन राज्यों के हिसाब से, उन राज्यों की जितनी जनसंख्या है उसका प्रपोर्शन, कुछ प्रपोर्शन उठकर वो भेजे जाते हैं राज्यसभा में, उनको इलेक्ट किया जाता है, तब वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। तो इनको हम बोलते हैं मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इन दोनों सदनों के मिनिस्टर्स को बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा के और 12 मेंबर जो इसके बच गए वो हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारे जो 12 मेंबर है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, बाकी 238 मेंबर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब हर स्टेट से कुछ प्रतिनिधि आते हैं जो वहां के विधायक विधानसभा के इलेक्शन में जीते हों। जैसे कि मान लीजिए हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इलेक्शन में जितने भी हमारे नेता जीते हैं, जिनको भी उनकी विधानसभा में सीटें हासिल हुई है, उसमें से कुछ प्रपोर्शन माने उसका, मान लीजिए 4 या 5 मिनिस्टर्स वहां से भेजे जाएंगे राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर स्टेट से होते हैं। ठीक, तो 238, बाकी ये तो सारे हम इलेक्ट करते हैं, हम पूरी जो लोकसभा है ना उसके मेंबर्स को चुनते हैं, हमारे इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा का। लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, माने सीधे तौर पर हम उन्हें चुनते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी लोकसभा में जीतने वाली पार्टी के हेड होते हैं, और हमारे इंडिया के भी जो हेड हैं वो
प्राइम मिनिस्टर ही हैं, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है। नॉमिनल माने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हेड जिनको बताया गया है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन उनकी पावर्स सारी यूज करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारे पार्टी हेड भी होते हैं और इन्हें हम डायरेक्टली चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम सीधे तौर पर नहीं चुनते। हम जिन्हें चुनते हैं वो उन्हें चुनते हैं, माने हम लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, हम विधानसभा के मेंबर्स को चुनते हैं और वो सभी मिलकर हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। और राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स चुनकर किसको चुनते हैं? हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट की भी डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हमारे राज्यसभा के मेंबर्स और जितने भी मिनिस्टर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो चुनते हैं। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर ठीक है, अब मैंने एग्जीक्यूटिव में एक और चीज बताई थी, ये फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हो गई बात। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में हमने बताया था कि प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो हमारे नॉमिनल हेड हैं, माने वो हमारे एक्चुअली में हेड ऑफ द स्टेट हैं, लेकिन उनकी पावर्स वो यूज नहीं करते। उनकी सारी पावर्स कौन यूज करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं। बाकी प्रेसिडेंट जो होंगे उनका कंसेंट हर चीज में जरूरी होगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ये हमारे गवर्नर को अपॉइंट करेंगे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। जितने भी बेंच होती है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसमें से जज जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर होने वाले जज होंगे, वो डिसाइड करते हैं कि बाकी बेंच किससे बनेगी, वो कंसल्टेशन करते हैं प्रेसिडेंट से, ठीक है। देन हमारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मैंने बताया, प्राइम मिनिस्टर की जो मेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, माने वो अपने काउंसिलर्स जो रखते हैं उन कंसल्टेशन के लिए जो लोग रखते हैं वो भी प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके रखते हैं, ठीक है। माने उनसे बातचीत करके उनसे सलाह मशवरा लेकर रखते हैं। अब जो मैं बात बताने वाली हूँ, माने सिविल सर्वेंट्स, आपको पता ही है यूपीएससी एक अथॉरिटी है जो सिविल सर्वेंट्स को चूज करती है और जो हायर पोस्ट पर पहुंच जाते हैं उनमें से कुछ सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि इनमें काम करेंगे। बाकी सारे सिविल सर्वेंट्स हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाते हैं, किसी न किसी तरह की सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं हमारे पब्लिक को। तो सारे जो भी सिविल सर्वेंट्स होंगे वो भी हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, क्योंकि सारी पॉलिसी मेकिंग एक्चुअली ड्राफ्टिंग का जो काम होता है ना वो यही होता है। बाकी वो सिर्फ बिल, अध्यादेश जो भी बन बन के पेश होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी माने हमारी न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है ना, इसका टॉप मोस्ट ऑर्गन जो होता है हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें हम SCI भी लिखते हैं। देन हमारे आते हैं हाई कोर्ट, देन हमारे आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिसमें कि हमारे सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स एक्सेट्रा, ये सब तरह के कोर्ट्स हमारे आते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा टॉप में है और ये पूरे इंडिया में एक ही है। देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है वो सारे स्टेट्स में होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स में दो में से एक ही है, ठीक। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया पंजाब और हरियाणा का। देन सबॉर्डिनेटिंग कोर्ट्स भी हर स्टेट में होते हैं। हम जब अपील दायर करते हैं, हम जब याचिका दायर करते हैं, हम सबसे नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, फिर यहां सुनवाई नहीं होती तो हम यहां जाते हैं, यहां भी सुनवाई नहीं होती या हमें यहां का फैसला हमें मंजूर नहीं होता तो हम इसके खिलाफ ऊपर भी याचिका दायर करते हैं, फिर हाईकोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर हम फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होता है, सर्वोपरि होता है, लेकिन अगर हमें फिर भी उससे संतुष्टि नहीं होती तो हम उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू डाल सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस है जिसको
जो सुप्रीम कोर्ट है अपने फैसले को दोबारा रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये जो था हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कुछ इस तरह से काम करती है। और हम अगली वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हमारा मैटर होगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली में है क्या। आप सिर्फ एक पार्टी को ब्लेम करने लग जाते हो, लेकिन उस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है वो हमारी लोकसभा में बैठती है, सिर्फ एक लोकसभा रूलिंग पार्टी होती है, बाकी जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं ना वो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। वो हमारा स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गन्स होते हैं। तो आप किसी भी एक चीज के लिए किसी भी एक सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी भी एक मेंबर को, एक ऑर्गन को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो ऑर्गन्स है इंटरकनेक्टेड है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लोकसभा और राज्यसभा कनेक्टेड है ऑलमोस्ट, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो भी लोकसभा और राज्यसभा से कनेक्टेड है। तो हम किसी एक ऑर्गन को ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी फेलियर के लिए। तो ये हमारा था आज का वीडियो, और हमारे ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।